चलने से भी घटाया जा सकता है शरीर का बढ़ा हुआ वजन। बस ये जानना जरूरी है कि चलने में कितना समय देना है और कितनी दूरी तय करनी है। वजन घटाने के लिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ वर्कआउट ही अपना असर दिखाते हैं, जबकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। आप सुबह शाम की सैर को भी वजन कम करना मान सकते हैं। हालांकि सिर्फ चलने से वजन घटाने में समय लग सकता है, लेकिन इसका सही तरीका हो तो वेट लॉस उतना भी मुश्किल नहीं है, खास करके वे लोग जो इंटेंस एक्सरसाइज या वर्कआउट करने में असहज महसूस करते हैं या समय नहीं निकाल पाते हैं। वे सुबह की सैर से फायदा उठा सकते हैं। बस जान लीजिए वेट लॉस के लिए वॉक कितनी देर की जाए और किस तरह। इस तरह के कुछ टिप्स भी आपके काम आ सकते हैं। वजन कम करने के लिए एक दिन में तकरीबन 15,000 कदम रोजाना चलना जरूरी है। आप कदमों की गिनती के लिए मोबाइल पर ऐप भी रख सकते हैं या फिर स्मार्ट वॉच की मदद ले सकते हैं। दोनों ही रूपों में आपके कदमों की गिनती हो जाएगी और यह सुबह या शाम की सैर नहीं बल्कि दिन भर में आप जहां भी जाएंगे और ये सुबह या शाम की सैर नहीं बल्कि दिन भर में आप जहां जहां भी गए हैं उसके कदम हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधे समतल जगह पर चलने और ऊपर चढ़ाई वाली जगह पर चलने में फर्क होता है। ऊपर की तरफ चलने में एनर्जी ज्यादा लगती है और फैट बर्न भी होते हैं। इससे मसल्स बिल्ड होने में भी मदद मिलती है और साथ ही मेटाबॉलिज्म बेहतर होती है। दिन में कम से कम 3 बार 20 मिनट तक जरूर चले। 15 से 20 मिनट तक चलना ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। एक साथ 45 या 50 मिनट तक चलने से बेहतर 20 मिनट 3 बार चलना ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपको लगता है कि आप दिन में चलने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपने बाकी कामों के चलने का बहाना खुद बना लीजिए। जैसे अपनी कार को पार्किंग स्पेस में दूर खड़े कीजिए, जिससे आपको चलने के लिए समय मिले। दूसरी या तीसरी मंजिल तक ही जाना है तो लिफ्ट को छोड़ दीजिए और घर में यहाँ वहाँ टहला कीजिए। वॉक पे निकलने से पहले ग्रीन टी पीना भी अच्छा होता है। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जिससे वजन कम होने में भी सहायता मिलती है और ये फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ाता भी है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मगही आवाज।